हेलो राइडर्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। अगर आप भी यामाहा की XXR का इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने का वेट कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंफर्म बताने वाला हूं कि यामाहा इस बाइक को लॉन्च इंडियन टू व्हीलर मार्केट में करेगा या नहीं करेगा। इस बाइक को लेके यामाहा का जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या निकल के आता है, ये बाइक अगर इंडिया में लॉन्च होती है तो किस प्राइस पे लॉन्च होती है और ये कब तक लॉन्च होगी, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं फोर व्हील्स। तो यामाहा की XXR एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको सेगमेंट के हिसाब से काफी ज्यादा बेहतरीन लुक देखने को मिलता है। बाइक के फ्रंट में आपको राउंड LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। बाइक में आपको हेलोजन इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा और बाइक में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम LED टेल लाइट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल का सेटअप भी देखने के लिए मिलेगा। कंपनी ने इस बाइक में बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवाया है। इस बाइक को इंडिया के अलावा सभी यूरोप कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में सेल किया जाता है, लेकिन इंडिया में इस बाइक की हाई डिमांड होने के बावजूद यामाहा इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च नहीं कर रहा है। तो यामाहा को ये बात पता है, अगर वो अपनी XXR को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करता है तो FZS और FZX की जो सेल है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाएगी। यामाहा की MT-15 की भी सेल काफी ज्यादा डाउन हो जाएगी। अगर यामाहा अपनी XXR को इंडिया में लॉन्च करता है तो वो एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई है और यामाहा को सेल करने में काफी कम बेनिफिट होगा। इस वजह से यामाहा की FZS की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम है और यामाहा को उससे काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। यही कारण है यामाहा अपनी XXR को इंडिया में लॉन्च करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा है। यामाहा सिर्फ अपनी FZS और FZX को ही इंडिया में सेल करना चाहता है क्योंकि बाइक में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा। तो अब हम बात कर लेते हैं यामाहा की तरफ से इस बाइक को लेके क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। फिलहाल यामाहा की तरफ से इस बाइक को लेके कोई भी अपडेट बाहर निकल के नहीं आया है। यामाहा फिलहाल अभी इस बाइक को लॉन्च करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो दोस्तों, इस बाइक को लेके आपकी क्या राय है? क्या आप भी इस बाइक का इंडिया में लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं और क्या यामाहा को ये बाइक इंडिया में लॉन्च करना चाहिए? कमेंट में लिख के जरूर जाना, वीडियो को लाइक करके जरूर